स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक विथ मनीष में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगले महीने यानी अप्रैल 2023 से आप कई सारे बदलाव देखने वाले हैं, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट से लेकर आपके रुपये पैसे से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं, और साथ ही साथ कई नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, शेयर मार्केट में निवेश को लेकर भी कुछ न्यू अपडेट आए हैं, जैसे कि फाइनेंस बिल में कई संशोधन किए गए हैं, और वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE को लेकर भी कुछ खबरें आई हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी दूंगा, जिससे कि आप अप टू डेट रहें। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड की। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अब नहीं मिलेगा LTCG टैक्स बेनिफिट। डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करना टैक्स के लिहाज से फायदेमंद माना जाता था, लेकिन शुक्रवार को लोकसभा में पास फाइनेंस बिल में इसे LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे से बाहर कर दिया है, क्योंकि इक्विटी में कम निवेश करने वाले डेट म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट नहीं देने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे डेट फंड जो इक्विटी में अपनी प्रॉपर्टी का 35% से कम निवेश करते हैं, यानी इससे कम इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्हें लॉन्ग टर्म टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी डेट फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस बात का आप भी जरूर ध्यान रखें। तो अब बात कर लेते हैं NSE पर लेन देन शुल्क की। तो दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने 1 अप्रैल से नगद इक्विटी और फ्यूचर फंड ऑप्शन सेगमेंट में लेन देन शुल्क यानी इन्वेस्ट करते समय होने वाला ट्रांजैक्शन, इसमें 6% की वृद्धि को वापस लेने का फैसला लिया है, क्योंकि जनवरी 2021 के बाद यह ट्रांजैक्शन शुल्क ज़्यादा लिया जाता था, क्योंकि उस समय शेयर मार्केट की कुछ अनिवार्यताओं को देखते हुए NSE इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट कापर्स को आंशिक रूप से बढ़ाने के लिए लगाया गया था। तो NSE ने अपने बयान में यह बताया है कि यह ट्रांजैक्शन शुल्क अब हटाया जाएगा, इससे इन्वेस्टर्स को फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपके लिए यह जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किन वजह से आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज हो सकता है। डीमैट अकाउंट डीमैट खातों के संबंध में नामिनी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है। अगर आपने इस डेडलाइन तक नॉमिनेशन नहीं किया तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट डेबिट के लिए फ्रीज हो जाएंगे, जिस कारण आप ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो सेबी की रूल्स के अनुसार जिन लोगों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट हैं, उनको 31 मार्च 2023 तक नॉमिनी का नाम दर्ज कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।